हाँ जी गाइस, कैसे हैं आप लोग फ्रेंड्स। आज हम लोग अपनी क्लास में डिस्कस करेंगे MFM यानी मनी एंड फाइनेंशियल मार्केट के न्यूमेरिकल्स का डिस्कशन, ठीक है गाइस। और आज की क्लास में गाइस हम लोग वो सारे न्यूमेरिकल डिस्कस करेंगे जो आपके MFM के एग्जाम में आ सकते हैं और गाइस जो इससे पहले आ चुके हैं गाइस, यानी हम लोगों ने गाइस कुछ पास्ट क्वेश्चन को उठाया है जो पहले बहुत बार पूछे जा चुके हैं और जिनके अब और पूछे जाने की पॉसिबिलिटी है। तो गाइस हम इस वीडियो में सब कुछ डिस्कस करेंगे, तो गाइस प्लीज इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। एक चीज गाइस नोट करना, कोई भी सिंगल गाइस टर्म आपका छूटना नहीं चाहिए। अगर गाइस आप लोगों ने कॉन्सेप्ट्स नहीं भी पढ़े हुए हैं तब भी गाइस अगर आप इन न्यूमेरिकल्स को कर ले तो भी गाइस आपका गाइस एग्जाम में न्यूमेरिकल क्वेश्चन क्लियर हो जाएगा, राइट। एंड गाइस साथ साथ जो इसके दूसरे कॉन्सेप्चुअल कॉन्सेप्ट्स हैं, कॉन्सेप्चुअल क्लासेस गाइस, वो आपके पोर्टल पर ऑलरेडी अपलोडेड है, ठीक है। चले गए, स्टार्ट करते हैं हम लोग यहाँ पे गाइस पढ़ना। सो न्यूमेरिकल का गाइस हमारे सबसे पहले न्यूमेरिकल है हमारे पास, दैट इज कहते हैं अ कंपनी इश्यूज बॉन्ड्स इन दिसंबर 2021। कंपनी ने 2021 दिसंबर में एक बॉन्ड इशू करा जिसका फेस वैल्यू है 1000 रुपीज, राइट। गाइस अब एग्जाम के पॉइंट की बात करें तो गाइस ध्यान रखना यहाँ पे कंपनी का नाम आ सकता है, ठीक है। यहाँ पे मंथ चेंज हो सकता है, यहाँ पे ईयर चेंज हो सकता है और यहाँ पे फेस वैल्यू चेंज हो सकती है। फिर वो कहते हैं आगे कि कूपन रेट 7% है, ठीक है, मैं इसको हाईलाइट कर लेता हूँ एक इसको, एंड कूपन रेट 7% है एंड 2 ईयर मेच्योरिटी, 2 साल की मेच्योरिटी इसकी, ठीक है। मतलब कंपनी ने बॉन्ड इशू कराया, गाइस मैं मान सकता हूँ कि आपको पता है कि कंपनी बॉन्ड इशू करती है क्या उसका मतलब होता है, कैसे वो रिटर्न अर्न करती है, कैसे वो रिटर्न प्रोवाइड करती है, ठीक है गाइस, ये चीज आप क्लियर करना गाइस, ठीक है। नहीं है तो क्लास को देखिएगा एक बार। नाउ क्वेश्चन है What will be the price of the bond in December 2022? अगले साल, मतलब 2 साल की मैच्योरिटी लेकिन अगले ही साल उस बॉन्ड का प्राइस क्या है, ठीक है। मार्केट इंटरेस्ट रेट आपका 10% है, ठीक है। हमें बेसिकली जो है बॉन्ड का प्राइस बताना है, ठीक है बेटा, हमें सिर्फ उसी बॉन्ड का प्राइस बताना है। और हमें उन्होंने दो सिचुएशन दे दिए, क्या या तो ये है कि यहाँ पे रिस्क ऑफ डिफॉल्ट नहीं है, ठीक है गाइस आपको मालूम होना चाहिए कि व्हाट डू मीन बाय रिस्क ऑफ डिफॉल्ट, ये थ्योरी में भी इंपॉर्टेंट है एक नंबर का, ठीक है। एंड दूसरा पॉइंट बोला उन्होंने बताना वही है, प्राइस ऑफ द बॉन्ड, ठीक है, ठीक है, बॉन्ड का प्राइस बताना है लेकिन दो सिचुएशन के बेसिस पर। एक वो जब मतलब डिफॉल्ट का मतलब होता है कि नहीं पे करना, मतलब खराब हो जाना चाहिए, ठीक है, जब डिफॉल्ट का रिस्क नहीं है। दूसरा, अ रिसेंट रिपोर्ट रिवील्स दैट देयर इज अ 20% चांस ऑफ डिफॉल्ट बाय द कंपनी, मतलब कंपनी डिफॉल्ट हो सकती है भाई। तो दोनों सिचुएशन का आपको यहाँ पे बतानी है, ठीक है। तो भाई बहुत आसान क्वेश्चन है और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो हम लोग यहाँ पे इसको सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं गाइस। आप मेरा सजेशन रहेगा अगर पॉसिबल है आपके लिए तो वीडियो को पॉज करिए और क्वेश्चन को सॉल्व करिए आप, ठीक है। जब क्वेश्चन को सॉल्व कर लोगे तो फिर आप मुझे बता दीजिएगा, या क्वेश्चन को सॉल्व करके फिर वीडियो ओपन करके आप अपना सोल्यूशन चेक कर सकते हैं, ठीक है बेटा। चलिए स्टार्ट करिए। बेसिकली गाइस अगर आप देखें तो जिस इन्फॉर्मेशन के नाम पे हमें सिर्फ यहाँ पे 2-3 इन्फॉर्मेशन दे रखी है वही गाइस हमारे लिए काम की है। जैसे मैं आपको एग्जांपल दूं तो हमें इन्होंने एक फेस वैल्यू दे रखा है, ठीक है, एक फेस वैल्यू दे रखा है ₹1000, ठीक है। साथ साथ इन्होंने हमें कूपन रेट दे रखा है, नो डाउट गाइस आपको कूपन रेट का मतलब पता होना चाहिए, नहीं है तो नोट्स देखिए, ठीक है। कूपन रेट गाइस इन्होंने 7% दे रखा है, अच्छा कूपन रेट ऑफ दिस टोटल अमाउंट, ठीक है, कूपन रेट ऑफ दिस टोटल अमाउंट। तो अगर मुझे अमाउंट निकालना हुआ तो मैं कूपन रेट का मल्टीप्लाई इससे करूंगा, वो मैं बताऊंगा कहां पे। फिर एक है गाइस मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट, वो दे रखा है 10%, ठीक है। नाउ अब उन्होंने बोला प्राइस ऑफ द बॉन्ड, तो अगर मैं एक सिंपल फॉर्मूले की बात करता हूं आफ्टर वन ईयर, गाइस देखो आफ्टर वन ईयर एक साल बाद प्राइस ऑफ द बॉन्ड इज व्हाट, मैं गाइस आपको टेक्निकली बता देता हूँ, फेस वैल्यू प्लस कूपन रेट इनटू फेस वैल्यू अपॉन में 1+ इंटरेस्ट रेट टू द पावर टी, ये जनरल फॉर्मूला होता है, टी मतलब यहाँ पे टी यहाँ पे 1 है, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे वैल्यू पुट कर देता हूँ, इधर तो फेस वैल्यू आया 1000 प्लस 7% ऑफ 1000 इज 70 रुपीज अपॉन में 1+10%, तो यह है 0.1 to the power t यानी 1, ठीक है।
तो यह है आपका 1070 अपॉन में 1.10, ठीक है ठीक है। तो ये वैल्यू आई। अब गाइस इसको सॉल्व कर लेते हम लोग सीधे सीधे, कैलकुलेट कर लेते, मैं कैलकुलेटर कर लेता हूँ उसको वीडियो पॉज करके, ठीक है। तो 1070 डिवाइडेड बाय 1.10, ठीक है, तो आंसर इज 972.72 तो ये फॉर्मूला होता है, ये टू ईयर तो चैप्टर टू आ जाता है, जस्ट फॉर्मूला आपको पता होगा मैं यहाँ पे क्या लिख रहा हूँ, ठीक है गाइस। ये मेरे पास समझ में आ गया गाइस, ये फर्स्ट वाला पार्ट है, देयर इज नो रिस्क ऑफ डिफॉल्ट, राइट गाइस। नाउ सेकंड पॉइंट पे हम लोग बात करेंगे, तो यहाँ पे रिस्क है जी, इट्स 20%, ठीक है। फॉर्मूला थोड़ा सा बदल जाएगा, मैं आपको फॉर्मूला बता देता हूँ, एक ही गाइस बदलाव आएगा। देखो ये जो प्राइस ऑफ द बॉन्ड है, जहां हमने यहाँ पे वैल्यू लिखी थी, फेस वैल्यू प्लस दिस इज द टोटल वैल्यू, ठीक है, फेस वैल्यू प्लस दिस। अब हम यहाँ पे ये चीज तो लिख रहे हैं, फेस वैल्यू प्लस का कूपन रेट इनटू फेस वैल्यू, ये तो लिख रहे हैं, बट हम इसको एक्सपेक्टेड वैल्यू बोल रहे हैं, दिस इज द एक्सपेक्टेड वैल्यू, मैं इसको ऐसे कर देता हूँ, ठीक है, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ दिस, ऑफ ये फेस वैल्यू प्लस का फेस वैल्यू इनटू कूपन रेट, राइट गाइस, एंड अपॉन में वही सेम कंसेप्ट, दैट इज 1 प्लस आर टू द पावर 1, यानी टी आएगा, फिलहाल मैं टी लिख रहा हूं इसको। अब एक्सपेक्टेड वैल्यू का मतलब क्या हो जाता है, पहले तो मैं ये लिख लेता हूं, देखो एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ व्हाट, इट इज 1070, नो डाउट, अपॉन 1.10 टू द पावर 1। अब मुझे इसके एक्सपेक्टेड वैल्यू निकालनी है, रिस्क है इसका 20%, मतलब 20% ये है कि कंपनी कुछ भी रिटर्न ना दे, ठीक है, 20%। देखो मैं अगर आपको इस तरीके से बताऊं, तो टेबल कुछ इस तरीके से बनेगी, आउटकम, ठीक है, एंड प्रोबेबिलिटी। आउटकम अगर प्रोबेबिलिटी 80% वो 20% है, तो 20% किसकी है, जीरो आउटकम की, राइट, और रिस्क 20% है, तो रिस्क कितना नहीं है, रिस्क 80% नहीं है, 80% क्या चांस है कि मुझे 1070 मिल जाए, राइट। तो मैं एक्सपेक्टेड वैल्यू में ये तो करूंगा भाई, दोनों को लिए, दोनों को सॉल्व करूंगा मैं एक्सपेक्टेड वैल्यू में। तो मैंने यहाँ पे बेसिकली इसको इसको कैसे लिखा, दैट इज 0.2 मल्टीप्लाई बाय 0 प्लस 0.80 मल्टीप्लाई बाय 1070 अपॉन में 1.10 टू द पावर 1, ठीक है गाइस। इसे आप सॉल्व कर लीजिएगा, ये तो जीरो हो जाएगा, इसे मैं कैलकुलेट कर लेता हूँ कि क्या निकल के आएगा, दिस इज 0.8 मल्टीप्लाई बाय 1070, ये आई थिंक आएगा मल्टीप्लाई करके 856, दैट इज 856 डिवाइड बाय 1.10, ये इक्वल टू हो जाएगा हमारा, इसे मैं नेक्स्ट पेज पे लिख लेता हूँ, 856 अपॉन में 1.10, ठीक है, और कैलकुलेट किया हमने इसको, तो ये आ गया आपका रुपीज 778.18 गाइस। ध्यान रखना आपके एग्जाम में सिंपल कैलकुलेटर अलाउड है, राइट, एग्जाम्स में आपके सिंगल कैलकुलेटर अलाउड है, तो प्लीज गाइस सिंपल कैलकुलेटर जरूर लेके जाइएगा, ये बहुत छोटी कैलकुलेशन है जिन्हें आप बहुत इजीली अच्छे से कर सकते हैं, राइट गाइज, ओके।